प्लासी में जीत के बाद अंग्रेज बंगाल के अप्रत्यक्ष शासक बन चुके थे। दिल्ली दूर नहीं थी, मुगलों को अपनी सल्तनत पर खतरा मंडराता दिखा तो उन्होंने मदद के लिए अवध की ओर देखा। इधर मीर जाफर के बाद बंगाल का नया नवाब मीर कासिम नहीं चाहता था, वह भी अंग्रेजी कंपनी की कठपुतली बने। ऐसे में 3 मई 1764 वो तारीख बनी जब तीनों मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब और बंगाल नवाब मीर कासिम की सेना ने जंग का ऐलान कर दिया। हालांकि यह युद्ध 22 अक्टूबर को शुरू हुआ। सबसे खास बात थी, इस संयुक्त सेना की अगुवाई नागा साधुओं की टोली कर रही थी। इस युद्ध में एक समय ऐसा आया कि कंपनी की रसद खत्म हो गई और कंपनी लगभग सरेंडर करने वाली थी, लेकिन उससे पहले कंपनी की स्थिति से अनजान शुजाउद्दौला खुद पीछे हट गया। बाद में यह युद्ध अवध की सेना बनाम मुनरो के नेतृत्व की ब्रिटिश सेना का हो गया, लेकिन इस युद्ध में संयुक्त सेना के गलत फैसलों और अनुशासनहीन सैनिकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बेहतर युद्ध कौशल ने युद्ध में जीत अपने नाम की और अब ब्रिटिश कंपनी भारत की एकमात्र प्रमुख शक्ति बन चुकी थी।